हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसका यहाँ आप देखिए पूरा फुल चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को समझेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्या करेंगे, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए क्या होगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, यानी इस चैप्टर से या तो सब्जेक्टिव पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो इससे क्या होगा, बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, और जितने भी प्यारे बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं जानते हैं, इसका पीडीएफ डाल चुके हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम लास्ट में आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप देखिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, 9135 74 20 24। आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ग्रुप में जुड़ने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, पीडीएफ का लिंक मिलेगा, नोट्स का लिंक मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और लास्ट में बहुत सारा फायदा होता है इससे, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ के ग्रुप से बाहर मत निकलिए। तो चलिए बाबू पहले एक एक टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, और हमको जानना ये जरूरी है कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। तो यहाँ देखिए विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, तो विद्युत चुंबकत्व एक प्रकार का चुंबक ही होता है, जैसे यहाँ देखिए सामान्य चुंबक होता है उसी प्रकार क्या होता है कि विद्युत चुंबकत्व एक प्रकार का चुंबक ही होता है, जिससे विद्युत प्रवाह द्वारा यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे के उसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम उत्पन्न करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल करंट दे के इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, चलिए एक बार और समझा देते हैं कि विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक ही है, जिसमें विद्युतीय प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट दे के उसमें क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, उसे ही हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो ये आपको बाबू समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार यस लिख दीजिए, यहाँ पे यस लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए अगला जो हम टॉपिक समझेंगे वो क्या है, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें या दाएं हाथ का नियम लिखें, और या तो दे देगा कि फ्लेमिंग के बाएं और दाएं दोनों हाथ का नियम लिखें। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ना और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो हम आपको अच्छे से अगर समझा देंगे, यहाँ आप देखिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग फट से ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से एकदम इसको समझिएगा, यहाँ आप देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और तथा क्या लिखा है, अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं, और उसके बाद वाले उंगली को तर्जनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यमा, और इसको बोलते हैं अनामिका, और इसको कनिष्ठ। तो इससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको क्या है, ये तीनों से मतलब है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा यहाँ देखिए अंगूठे को इस प्रकार फैलाना जाना चाहिए कि तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो, क्या हो, तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं परस्पर ये लंबवत है, जिसने यहाँ आप देखिए जिनसे क्या हो, अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, यानी ये अंगूठा ये किसको, फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा को ज्ञात करता हो, क्या, अंगूठा, ऐसा फैलाना है हमको कि अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, और तर्जनी उंगली, ये क्या होता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा यहाँ आप देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे समझिए कि अंगूठा यहाँ आप देखिए चुंबकीय, यहाँ आप देखिए अंगूठा फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा को ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली यहाँ आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ आप देखिए ज्ञात करता है, और जो यहाँ आप देखिए जो मिडिल फिंगर होता है यानी यहाँ आप देखिए मध्यम उंगली होता है, वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता है, यानी जो ये मिडिल फिंगर है यानी मध्यम उंगली है, वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए ऐसे हमको फैलाना है अपने तीनों उंगलियों को, यहाँ आप देखिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, कि यहाँ आप देखिए अंगूठा किसको
किस दिशा में होना चाहिए, तो ये दर्शाना चाहिए यहाँ देखिए फोर्स की दिशा को, और यहाँ देखिए तर्जनी उंगली यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ देखिए ज्ञात करना चाहिए, और यहाँ आप देखिए जो यहाँ देखिए मिडिल फिंगर है यानी मध्यम उंगली है वो प्रवाहित विद्युत धारा की जो दिशा है उसको ज्ञात करे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो बाबू एक बार आप लोग बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए फटाफट आप लोग यहाँ देखिए बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, आया तो आप लोग एक बार यस बोल दीजिए, चलिए फटाफट बताइए। चलिए अब जानेंगे कि यहाँ देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, चलिए फटाफट सभी बच्चे ध्यान लगाइए। चलिए यहाँ पे हम बाएं हाथ का सीख लिए नियम, और ये आप लोग को उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ देखिए समझे होंगे, तो चलिए इसको भी हम उसी प्रकार समझाएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यहाँ पे आपको समझना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। तो यहाँ देखिए यदि हम अपने दाहिने हाथ की, यहाँ देखिए बाएं हाथ का नियम नहीं है ये दाएं हाथ का नियम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठा, यानी यहाँ देखिए तर्जनी यहाँ पे क्या हो जाएगा मध्यमा और ये क्या हो जाएगा अंगूठा, यहाँ आप देखिए एक दूसरे को लंबवत फैला, यानी देखिए एक दूसरे को लंबवत फैलाना है कि अंगूठा चालक की गति को, यानी यहाँ देखिए ये मोशन को दर्शाए, चालक की गति यानी क्या अंगूठा मोशन की गति को दर्शाए, और यहाँ देखिए तर्जनी यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, यानी यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए, यहाँ देखिए जो तर्जनी उंगली है वो क्या करें चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ देखिए दर्शाए, और यहाँ देखिए मध्यमा जो उंगली है परिपथ में प्रवाहित होने वाली यहाँ देखिए प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करें, यानी करंट को दर्शाए कौन तो मध्यमा उंगली, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। आप लोग यहाँ देखिए ऐसे उंगली करके आप लोग समझ लीजिएगा कि अंगूठा किसको दर्शाएगा मोशन को दर्शाएगा, और यहाँ देखिए तर्जनी किसको दिखाएगा तो किसको दर्शाएगा तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और यहाँ देखिए मध्यम जो उंगली होगा मिडिल फिंगर वो करंट को दर्शाएगा, इसी नियम को हम क्या कहते हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो बाबू ये आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी बताइए कि बाबू आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आया, समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और इसका PDF सेम टू सेम दे देंगे इसी प्रकार वो भी फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसको डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक क्या है हमारे सामने, और ये तो बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए लॉरेंज बल क्या है, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि लॉरेंज बल क्या होता है। यहाँ आप देखिए ऐसा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना समझा समझा के, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ आप देखिए ध्यान लगा के पढ़िए। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है कि लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में गति करता है, यहाँ आप देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मान लीजिए कोई कण है वो क्या है आवेशित है, वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो आवेशित कण पर जो यहाँ आप देखिए तो आवेशित कण पर यहाँ देखिए बल कार्य करता है, क्या करता है तो जो आवेशित मान लीजिए ये कण है इस पर क्या करेगा बल कार्य करता है, इसी बल को ही हम क्या कहते हैं तो लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका डिफिनेशन लिखे हैं बाबू कि आपको एकदम चुटकी में याद हो जाए। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र, यहाँ देखिए कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो आवेशित कण पर जो यहाँ देखिए बल कार्य करता है इसी बल को हम क्या कहते हैं तो लॉरेंज बल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं तो चुंबकीय बल भी इसी को कहा जाता है, लॉरेंज बल को ही आप देखिए चुंबकीय बल भी कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा इतना समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ आप देखिए लॉरेंज बल की दिशा करता था, यहाँ आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा लंबवत होती है, यहाँ आप देखिए आप लोग एक बार अच्छे से समझिए कि लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ देखिए दोनों के चलने की दिशा जो होती है वो क्या होती है लंबवत होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय बल भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो हम आपको बता दिए, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, यहाँ देखिए उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू, इसे आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, याद रखिएगा त्वरित आवेश हमेशा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट यहाँ पे,
जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं। यहाँ आप देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, और ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन एम वी वी आई होने वाला है। यहाँ आप देखिए मोस्ट वी वी आई होने वाला है कि 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। 30 डिग्री पर कितना पाई, 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय में प्रवेश करता है, तो उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा कि हेलिकल होगा कि दीर्घवृत्तीय होगा कि यहाँ देखिए सीधी रेखा में होगा। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पे हेलिकल हो जाता है। क्या होता है बाबू, 30 डिग्री पे हेलिकल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, 9135742024। आप इस पर मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी आम आपी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा पूछा है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम यहाँ देखिए कभी भी एम आपी को संट करेंगे तो इसकी माप सीमा कभी भी यहाँ देखिए इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जब भी यहाँ आप देखिए एम आपी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है, बढ़ता है। ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए यहाँ पे, 4 नंबर प्रश्न का। यहाँ आप देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ये आप लोग टेंथ क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। चलिए यहाँ आप देखिए बहुत बढ़िया, एम्पियर ने नहीं की थी, ना फ्लेमिंग ने किया था, ना फैराडे ने किया था। किसने किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, तो ये किया था ओस्टर्ड ने। कितने बाबू, ओस्टर्ड ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, एकदम राइट आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग आंसर देते चलिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए 5 नंबर, और लास्ट तक बने रहिएगा, इसका PDF बिल्कुल फ्री में देंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत, यहाँ देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। यहाँ आप देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें जितना भी प्रश्न है कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो ये क्या रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। क्या रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आप देखिए 6 नंबर प्रश्न पे, और ये प्रश्न मोस्ट VVI होने वाला है। इसका अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी मोस्ट VVI होने वाला है। तो ये 2 प्रश्न को आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर को हमको किस में बदलना है, आमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम गैल्वेनोमीटर को आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। किस में, तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, मोस्ट VVI होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न का बाबू आंसर दीजिए। तो बोले थे कि ये और वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक जो बताती है वो, और एक ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ आप देखिए एक गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर, कि आप देखिए श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा कर। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक गैल्वेनोमीटर को हमको किस में, वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है, तो हम लोग श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। क्या करेंगे बाबू, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए, वोल्टमीटर में नहीं, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर में बदलना है, तो इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका 100% सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिए 8 नंबर पे, और 8 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक पूछा जाता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर का, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आमीटर का। तो यहाँ आप देखिए एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। क्या होता है याद रखिएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और अगर आपसे पूछे कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो इन्फिनाइट होता है, यानी अनंत होता है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। चलिए वही प्रश्न आ गया, 10 सेकेंड टाइम है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 10 सेकेंड टाइम है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए बाबू, फटाफट आप लोग बताइए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम क्या बताए हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है इन्फेनाइट। क्या होता है बाबू? इन्फेनाइट होता है यानी अनंत होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एक आदर्श, यहाँ पर देखिए आम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है 0। ये साथ में आप लोग याद रखिएगा, दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का यहाँ पे पूछा है एसआई मात्रक, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है बाबू? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? टेस्ला होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही यहाँ पे समझ में आने वाला है आपको, 100% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न पे, 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सब आपको बताते जा रहे हैं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ आप देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि रज्जु धारा चुंबकीय बल, यहाँ आप देखिए रेखाएं होती है, यहाँ पे क्या लिखा है? रज्जु धारा की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है? तो वो होती है धारा के चारों ओर वृत्तीय। क्या होती है? रज्जु धारा का जो यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है? धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। तो ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है कि धारा के चारों ओर वृत्तीय होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा बाबू। चलिए यहाँ आप देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना आसान भाषा में, इतना सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझा के पढ़ाएगा बाबू। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि एक आदर्श परिनलिका की यहाँ पर देखिए धारा दोगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पर देखिए सदिश की यहाँ पर देखिए परिमाण क्या हो जाएगी? दोगुनी होगा कि समान रहेगा कि आधा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझिए कि एक आदर्श परिनलिका है, उसकी यहाँ पर देखिए धारा को यानी जो करंट है उसको क्या कर दिया जाता है? 2x यानी दोगुना कर दिया जाता है। तो इसके अंदर के चुंबकीय प्रेरण की यहाँ पर देखिए सदिश की परिमाण क्या होगी? तो यहाँ पर जब दोगुना हो रहा है तो अंदर भी क्या हो जाएगा? दो गुना ही होगा। तो यहाँ आप देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दो गुना हो जाएगा? ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% इसका सही जवाब होने वाला है, और इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए 13 नंबर प्रश्न पे, यहाँ आप देखिए 13 नंबर प्रश्न खास हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दो गतिशील आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? केवल कूलम बल लगता है कि चुंबकीय बल लगता है, नाभिकीय बल, कि इनमें से कोई नहीं होता? यानी इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन में क्या है? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो आपको क्या बताना है कि दो गतिशील आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? तो दो गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल लगता है। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 14 नंबर प्रश्न में देखिए तो क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण के एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ आप देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक भी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, टेस्ला। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। यहाँ देखिए इतना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे 15 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। देखिए 15 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है, और बीमा से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न तो 100% आने ही वाला है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है ए इनवर्स होता है इसमें, एम एल के पावर 0 होता है और टी माइनस 2 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होने वाला है? बिल्कुल ही सही, यानी 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देखिए क्या होगा है, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ आप देखिए स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी जाइए आप लोग, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और यहाँ आप देखिए 4 बजे इसका वीडियो आएगा, ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो आएगा। जो भी टॉप करेगा उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग वेट कीजिए,
यहाँ आप देखिए, हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और आप लोग पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, दो समानांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है, वे क्या होते हैं? तो वे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए तब आंसर दीजिएगा कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक दूसरे के, यहाँ आप देखिए अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को विकर्षित ही ना करेगा, आकर्षित तो करेगा नहीं। मान लीजिए दो को आदमी में झगड़ा हो रहा है तो क्या होगा, एक दूसरे से दूरेगा ना, भागेगा। यहाँ पर देखिए, अगर दो आदमी में झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे से नफरत ही ना होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि दो समानांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे क्या होंगे, तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनने का सिद्धांत। यहाँ पे क्या लिखा है, चाल कुंडली जो गैल्वेनोमीटर होता है उसे बनाने का सिद्धांत कौन सा होता है? तो यहाँ आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप देखिए, धारा या चुंबक का प्रभाव होता है, क्या होता है, इसके बनाने का नियम होता है धारा और चुंबक का प्रभाव। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धारा का चुंबक का प्रभाव, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ आप देखिए, 18 नंबर प्रश्न की गैल्वेनोमीटर को संट का व्यवहार किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों किया जाता है, फटाफट पहले आप लोग बता दीजिए, इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, किस लिए, इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर को संट का व्यवहार किया जाता है, इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए, यानी इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 100% सही जवाब होने वाला है। चलिए 19 का आप लोग आंसर दीजिए। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है, किसको बदलना है, तो वोल्ट मीटर को बदलना है हमको आमीटर में। तो हम आपको क्या बताए थे, वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना है तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ के, तो यहाँ पे क्या लिखे, समानांतर में उच्च, गलत जवाब, श्रेणी क्रम में उच्च, गलत जवाब, समानांतर में निम्न प्रतिरोध। हाँ, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, समानांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ही ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, और ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई हो जाता है एग्जाम के लिए आपके। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है 20 नंबर की, एक लौह चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता अगर म्यू है, ये क्या है, म्यू है, आप लोग ध्यान रखिए, अगर किसी लौह चुंबक की पदार्थ की चुंबकशीलता अगर म्यू है तब क्या होता है, तो म्यू कभी भी बड़ा होता है, म्यू यहाँ देखिए, म्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 1 से, यानी म्यू कभी भी बड़ा होगा 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ए ऑप्शन में देखिए दिख रहा है कि म्यू बड़ा है 1 से। तो यहाँ देखिए, एक लौह चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता अगर यहाँ पे आपको म्यू दे रखा है तब क्या होता है, तो म्यू कभी भी बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आप देखिए 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि निकेल क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निकेल क्या होता है, तो निकेल होता है लौह चुंबकीय, क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास, यहाँ पे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से हम पीडीएफ यहाँ आप देखिए डाउनलोड करने का बताएंगे, ऑनलाइन टेस्ट देने का आपको बताएंगे। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस छूट गया है, एसआई मात्रक यानी एसआई इसकी इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू, यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बता दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट कीजिए बाबू वीडियो को लाइक, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना आसान भाषा में आपको सरल भाषा में कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी, ताकि वो भी आपकी तरह यहाँ देखिए क्लास में ज्वाइन हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ देखिए लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम अभी आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन को ओपन करना है। आपके फ़ोन में क्या होता है, गूगल होता है या क्रोम होता है, किसी एक को ओपन कीजिए और ऐसे सर्च बार दिखेगा, इसमें लिखिए आप लोग आस्क बोर्ड, यहाँ आप देखिए ASK
यहाँ आप देखिए हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। आपको क्या लिखना है, सिंपली लिखना है आस्क वुड, ASK, और यहाँ पे लिखना है BOARD। यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड लिखिए, आप लोग सर्च कर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो ऐसा पेज आएगा, आस्क बोर्ड होम लिखा होगा। आपको क्या करना है ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी डाउनलोड होगा, नहीं तो बाद में बोलते हैं आप लोग कि डाउनलोड नहीं हो रहा है सर कैसे करें। तो यहाँ आप देखिए आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे ऐसा पेज खुल के ओपन होगा और यहाँ आप देखिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा ऐड दिखेगा, इसी ऐड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी डाउनलोड होगा। तो आप लोग ऐड पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ आप देखिए टेस्ट लिखा है, तो आप लोग इसी टेस्ट पे एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए बंद करे खोले आएगा, तो आप लोग खोलिएगा। बाबू हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इसको खोलिएगा, तो जैसे ही आप लोग इसको खोलिएगा तो आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यहाँ आप देखिए आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट के बटन पे क्लिक करना है और उसको ऐड को खोल देना है। ऐसा ऐड देखिए आपको उस पर क्लिक आपको जरूर करना है। तो आपको क्या करना है, अगर टेस्ट देना है तो यहाँ आप देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री, यहाँ आप देखिए सॉल्यूशन ऑनलाइन टेस्ट, इसी पे आप लोग क्लिक कीजिए और क्लिक करके सबसे जो ऊपर वाला टेस्ट होगा उसी को दीजिएगा, वहीं लाइव टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, उसके बाद से नीचे आना है। नीचे आने के बाद से यहाँ आप देखिए स्टार्ट का बटन लिखा है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैं आस्क बोर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालिएगा बाबू, अपना नाम डालिएगा, अपने गर्लफ्रेंड का नाम मत डालिएगा। यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड लिख के आपको सर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कर देना है, यानी आप अपना नाम लिख के यहाँ आप देखिए नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए 10 मिनट का टाइम है और 20 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जल की मूलरता क्या होती है, तो 55.5 मोल लीटर इनवर्स होता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे सही हो गया, तो इसी प्रकार ऐसे करके फिर नेक्स्ट देना है। यहाँ आप देखिए मोल लता को व्यक्त किया जाता है, तो मोल प्रति किलोग्राम से किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। मान लीजिए आपको याद नहीं है, आप लोग ए पे ऑप्शन पे टिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इसी प्रकार आप लोग आके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इसका रिजल्ट 4 बजे शाम में मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। PDF डाउनलोड करना है तो या तो ऊपर दिखेगा, जैसे ही आप देखिए संपूर्ण क्रांति का PDF डाले हैं तो ऐसे ऊपर दिखेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, नीचे आना है सिंपली बाबू। कहाँ पे, नीचे नीचे आइए एजुकेशन के वेबसाइट पे, एजुकेशन की कैटेगरी में, और यहीं पर लिखा रहेगा यहाँ आप देखिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 PDF और नोट्स डाउनलोड। आप लोग उसी पे क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।